पूर्वी लद्दाख में अप्रैल महीने से जारी भारत चीन के बीच सीमा विवाद जल्द ही खत्म हो सकता है। दोनों देशों की सेनाओं ने पूर्वी लद्दाख सेक्टर से डिसएंगेजमेंट की सहमति जताई है। चीनी सेना वापस उसी इलाके में जाने के लिए तैयार हो गई, जहां वो अप्रैल महीने में थी। चुशूल सेक्टर में 6 नवंबर को हुई भारत चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 8वें दौर की वार्ता के दौरान डिसएंगेजमेंट प्लान पर चर्चा हुई, और ऐसे में दिवाली के त्योहार के बीच चीनी सेना पीछे हटने को तैयार हो गई। यानी कि ये कहा जा सकता है कि दिवाली पर भारत चीन के दिल मिलने जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक इस बैठक में 3 चरणों में पीछे हटने की योजना पर चर्चा की गई थी। बताया गया कि योजना को पेंगोंग झील इलाके में हुई बातचीत से एक हफ्ते में पूरा किया जाएगा। इस योजना को 3 चरणों में बांटा गया है। योजना के पहले चरण में दोनों देशों की आर्म व्हीकल यानी टैंक, तोपों और हथियारों से लैस सैन्य वाहनों को सीमा पर तैनाती से वास्तविक नियंत्रण रेखा से एक महत्वपूर्ण दूरी पर वापस ले जाया जाएगा। दोनों देशों के बीच हुई बातचीत के अनुसार टैंक और सैन्य वाहन एक दिन के अंदर अंदर वापस अपने स्थानों को भेजे जाएंगे। योजना के दूसरे चरण के तहत पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर दोनों ओर की सेनाएं वापस अपने स्थानों पर लौटेंगी। इसमें 3 दिनों तक रोजाना अपनी अपनी सैन्य टुकड़ियों को 30% तक हटाएंगी। इस चरण में भारतीय सेना धान सिंह थापा के प्रशासनिक पोस्ट के नजदीक वापस आ जाएगी, जबकि चीनी सेना फिंगर 8 से पीछे अपनी पोजीशन पर वापस लौटने को राजी हुई है। योजना के तीसरे और आखिरी चरण के अनुसार दोनों ओर की सेनाएं चुशूल और रेजांगला क्षेत्र के आसपास के इलाकों समेत पेंगोंग झील क्षेत्र के दक्षिणी किनारे से अपनी वर्तमान स्थिति से वापस लौट जाएगी। इस इलाके में भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले इलाकों में कब्जा किया है, जबकि चीन ने भी अपनी पोजीशन यहाँ मजबूत बना ली थी। बातचीत के दौरान दोनों देशों में ये भी तय हुआ है कि वो डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया पर नजर भी रखेंगी। इसके तहत वो बैठकों के अलावा अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का इस्तेमाल करेंगी। भारतीय सेना चीन के हर कदम को सावधानी से देख रही है, क्योंकि इसी साल जून में गलवान घाटी में हुए हिंसक टकराव के बाद भारतीय पक्ष में चीन के साथ विश्वास में काफी कमी आई है, और चीन तो धोखे के लिए ही जाना जाता है। उसने किस तरह से गलवान में हमारे 20 जवानों को शहीद कर दिया था। उस घटना के बाद भारत और चीन के बीच हालांकि लगातार एक दूसरे से बातचीत तो चल रही है, लेकिन अब भारत चीन पर विश्वास नहीं करेगा। सहमति तो उसने जता दी, लेकिन उस पर नजर कड़ी रखी जाएगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।